भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब से कुछ ही देर में वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला एवं डिसाइडर मुकाबला खेला जाना है। आपको बता दें कि सीरीज के लिए दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलिया जहां भारत को हरा कर इस मुकाबले में एक बेहतर मेमोरी के साथ जाना चाहेगी, वहीं टीम इंडिया अपने घर पर सीरीज हारने का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती। ऐसे में दोनों ही टीमों की बात की जाए तो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में चेन्नई की जो टीम और चेन्नई का जो मैदान रहा है वो रहा है स्पिन विकेट, यानी कि यहाँ पर स्पिन टू विन वाला जो फैक्टर है वो काम करता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को आज के मुकाबले में काफी बदलाव करने पड़ सकते हैं, हो सकता है कि भारत एक ऑलराउंडर और बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को आज जरूरत पड़ सकती है एक और स्पिनर की, यानी कि किस तरीके से भारत आज स्पिनर्स को खिलाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा आज बदलाव नहीं करना चाहेगी अपनी टीम में। ऑस्ट्रेलिया के पास पिछले मुकाबले में 6 पेसर थे और एक स्पिनर था, लेकिन आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर खिलाना ही पड़ेगा। भारत की अगर प्रोबेबल 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल करेंगे पारी की शुरुआत, 3 नंबर पर विराट कोहली और 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव को आखिरी मौका मिल सकता है, 5 नंबर पर केएल राहुल और 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। वहीं 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा का खेलना लगभग तय है, 8 नंबर पर अक्षर पटेल, 9 नंबर पर कुलदीप यादव या फिर उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है जो लंबी हिट भी मार सकते हैं और बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। 10 और 11 नंबर पर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, यानी कि भारत के पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं और भारतीय टीम यहां पर 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाएगी जिसमें 3 स्पिनर्स और 3 पेसर्स यहां पर नजर आएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर प्रोबेबल 11 की बात की जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो भी अपनी टीम में एक आध बदलाव जरूर करेगी। डेविड वार्नर की वापसी होगी ये बात तय नजर आ रही है, यानी कि डेविड वार्नर ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करेंगे, 3 नंबर पर कप्तान स्टीव स्मिथ, 4 नंबर पर मिचेल मार्श, 5 नंबर पर एलेक्स कैरी, 6 नंबर पर कैमरन ग्रीन, 7 नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है, 8 नंबर पर मार्कस स्टोइनिस, 9 नंबर पर शॉन एबर्ट, एश्टन एगर या फिर नीथन एलिस को ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर सकता है, 10 नंबर पर मिचेल स्टार्क और 11 नंबर पर एडम जाम्पा खेलते नजर आ सकते हैं। अब तैयार हो जाइए एक और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। देखना होगा कि आज स्पिन फ्रेंडली विकेट पर किस तरीके से भारतीय टीम यहां पर प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमने देखा कि भारत स्पिन विकेट पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन आज के मुकाबले में 250 से 300 का स्कोर भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।